Bye. <laughs> मा भगवती को अलग आदेश रांची वाले बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश बहुत सारे वशीकरण के विधान मैंने गत एक वर्ष में दिए हैं पहले वर्ष तो मैं वशीकरण देता नहीं था आज सोचा कि थोड़ा मजेदार वशीकरण आप लोगों को दूं मतलब गृहस्थों के लिए नहीं जो ऐसे साधक हैं जो कि मसान में जाके साधना कर सकते हैं वो भी किस मसान में जहां पे कलवा हो मतलब बालकों के मसान में ये साधना अति तीव्र है ठीक है और जो सही भाव से इसको करता है उसको फल की निश्चित प्राप्ति होती है मंत्र है लूना चमारी का ये खुद में बहुत तेज मंत्र माना जाता है मुझसे आप अगर पूछोगे कि आप लूना चमारी की साधना करोगे क्या तो मैं अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से बोलूँगा नहीं करूँगा क्योंकि और भी मंत्र है मैं उसको यूज़ कर लूँगा ठीक है क्योंकि लूना चमारी की जो साधना होती है वो बहुत तीक्ष्ण होती है बहुत तीव्र होती है उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है तो आपने एक बार एक्सपीरियंस कर लिया एक्सपीरियंस करने के लिए उसके बाद आपको लगेगा ठीक है ये होता है मुझे पता है लेकिन ये काम इससे भी आसानी से हो सकता है बिना डर भय और किसी एनर्जी अटैक के तो साधना कच्चे कलवे की है ठीक है इसमें कच्चा कलवा और वीर हमेशा साथ आते हैं कच्चा कलवा वीर और ये मंत्र किसी साधक के आ, माध्यम से मुझे मिली है ठीक है तो मैंने आज तक जितना भी रिसर्च किया कहीं भी ये मंत्र का उल्लेख नहीं है और मंत्र का विधान भी टेढ़ा है इसलिए भी लोग इसका उल्लेख नहीं करते हैं इसमें करना क्या है इसमें आपको चाहिए एक मिट्टी का छोटा बर्तन ठीक है एक आपको चाहिए मिट्टी का छोटा घड़ा जैसा घड़ा जिसमें अस्थियां रखते हैं उस तरीके का आप वैसा एक छोटा घड़ा बनवाएं और उसके नीचे जब कुम्हार उसको बना रहा हो तो उसमें एक कील मात्र का छेद करवा लें ताकि उसमें जो भरे वो नीचे गिता रहे उसके बाद आपको चाहिए एक नारियल की रस्सी ताकि आप उसको पेड़ पे बांध सकें और आपको चाहिए एक मिट्टी का ग्लास जिसमें कि आप मदिरा रखेंगे ठीक है लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि खेल क्या है इसके बाद जब भी आप वशीकरण करते हैं जब भी आप मोहिनी करते हैं तो उसमें एक चीज होता है जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है जिसको एनर्जी फील्ड कहते हैं मेटाफिजिकल टर्म है मेटाफिजिकल जो प्रॉपर्टीज होते हैं लोगों का वो आपको लाना होता है ताकि उनके एनर्जी सर्कल में आपको इस मेटाफिजिकल डाल सकें तो कोई भी उनका एक वस्त्र हो ठीक है तंत्र में काफी उपयोगी होता है बाएं पैर का के नीचे का धूल अगर वो मिल जाए तो वो ले लीजिए और उसके बाद उसको उस छोटे से मिट्टी के बर्तन में रख दीजिए ठीक है यह विधान आप नौ दिन करेंगे मतलब नौ रात्रि में करेंगे कैसे करेंगे आप सुनो लाइन से सबसे पहले जो कलवों का मसान है वहां जाओगे घुसने से पहले तीन बार ताली बजाओगे ठीक उसके बाद किसी एक वृक्ष के नीचे जाके बैठोगे किसी भी मसान पे मतलब एक कोने में कोई वृक्ष पकड़ लेना उस वृक्ष के नीचे बैठ जाना जहाँ बैठोगे वहाँ पे आसन लगाना आसन किस चीज़ का लगेगा जो आसपास में मसान होगा वहाँ पे कपड़े बिछे रहते हैं मतलब जो कपड़ा आता है जो भी लाश आता है उसके साथ कपड़ा आता है कफन आता है उस कफन पर आप अपना आसन लगाओगे आपके गुरु परंपरा में या जो भी आप अपने बंधन के लिए मंत्र का प्रयोग करते हैं उससे उस आसन मात्र को घेरोगे ठीक है और उसके बाद उसमें बैठ जाओगे बैठने से पहले जो सामने पेड़ है उसके नीचे पहले वो मिट्टी जो आपने मिट्टी के बर्तन में रखी है या फिर कपड़े का टुकड़ा वो रखोगे ठीक उसके ऊपर आप उस मटके को बांधोगे और मटके में मधु भर के आपको वहाँ टांग देना है तो वो रस्सी से उस मटके को टांगना है और ऐसा टांगना है कि वो जो भी कपड़ा हो या पैर का धूल हो ठीक है उस पर वो जो बूंद बूंद करके मधु गिरता रहे ठीक है उसके ठीक बगल में आप कारण चढ़ाओगे ठीक कारन मतलब शराब को एक मिट्टी के ग्लास में चढ़ाओगे सात दिन ये व्यवस्था हर बार नए बर्तन से आपको करनी है तो जब आप ये मधु चढ़ाओगे तो मधु आप कच्चे कलवे के नाम से चढ़ाओगे ठीक है और जो मध है वो वीरों के नाम से बावन वीरों के नाम से चढ़ाओगे आपको यहां ना धूप देना है ना दीप देना है ठीक है बस ऐसे बैठ जाना है जल लेना हाथ में थोड़ा सा संकल्प कर लेना अगर अपने किसी के लिए संकल्प कर रहे हो तो इसके लिए मैं संकल्प कर रहा हूं मंदिर में अमुक जहां पे बोला जाएगा वहां पर आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है और अगर किसी और के लिए आप किसी और का सम्मोहन करना चाह रहे हो तो वो आपको संकल्प में बोला होगा क्योंकि उसके बाद बोलने का मौका नहीं मिलेगा मंत्र सुनिए मंत्र है काला कलुआ बावन वीर समाधि अस्त पोखर के तीर हाँ ये भी एक महत्वपूर्ण बात है इस मंत्र में कि जहां पर भी ये मसान हो उसके बगल में जल होना चाहिए मतलब जल की व्यवस्था होनी चाहिए नदी नहीं जल की व्यवस्था होना चाहिए वो छोटा डोबा हो या फिर एक तालाब हो या झील हो कुछ भी हो हाँ तो काला कलवा बावन वीर समाधि अस्त पोखर के तीर ले मद मद जाग आधी रात अमुक को जगा लान मेरे पास दोहाई लोना चमाइन की मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फूलो मंत्र ईश्वर वाचा तो काला कलवा बावन वीर मतलब दोनों को हम जगा रहे काला कलवा जो है और जो बावन वीर हैं दोनों की शक्ति को मिला के समाधि अस्त पोखर तीन मतलब समाधि में है ले मद 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 मतलब मधु जो काला कलुआ को आप दे रहे हैं वो मद ठीक है और जो वीरों को दे रहे हैं वो मद ले मद मद जाग आधी आधी रात क्योंकि आप रात्रि में साधना कर रहे हैं तो उनको जगा रहे कि अब समाधि अस्त हो जागो आधी रात को अमुक को जगा लाने मेरे पास वो भी सो रहा होगा उसको तुम मेरे पास ले आओ दुहाई लोना चमाइन की लोना चमायन का मंत्र है तो उनकी दुहाई मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फूर मंत्र ईश्वर वाचा ये अपनी सुरक्षा के लिए हम लोग करते हैं कि अगर इस पूरी साधना में उग्र साधना में कोई भी गलती हो तो गुरु की शक्ति है उसके चलते मुझे माफ कर देना तो काला कलवा बावन वीर समाधि अस्त पोखर के तीर ले मद मद जाग आधी रात अमुक को जगा लान मेरे पास दुहाई लोना चमाइन की मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फूर मंत्र ईश्वर वाचा इसमें ये पूर्ण तांत्रिक विधान है ये आप लोग समझ गए होंगे ठीक है तो इसको करने में आनंद आएगा इसमें बहुत रिस्क नहीं है हाँ ये है कि जब आप तीसरे चौथे दिन करोगे तो आपको कुछ ना कुछ आभास होगा ठीक है कुछ दिखेगा तो उन सब चीजों को गुरु पे छोड़ देना भैरव बाबा पे छोड़ देना उसके लिए बहुत चिंता नहीं करना क्योंकि जो आपने आसन को बांध रखा होगा उसके अंदर कुछ भी प्रवेश नहीं करता है ठीक है दूसरा Uh, आप किसी ऐसे व्यक्ति को अगर इससे सम्मोहित करना चाह रहे हैं जिससे आपका कभी कोई रिश्ता नाता ना ना रहा हो तो भी uh, ये साधना आपका जो नौ दिन है वो बेकार जाएगा और तीसरा आप इस साधना से किसी को भी जो आपके साथ पहले इमोशनली अटैच था उसको आप अपने से अटैच करवा सकते हैं ठीक है <laughs> लेकिन इसके बाद कुछ भी अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इससे कुछ uh, ज़्यादा हो जाएगा आपकी शादी हो जाएगी आपके संबंध बन जाएंगे तो ऐसा नहीं होता है ठीक है क्योंकि ये सिर्फ एनर्जी सिग्नेचर का खेल है मनोवृत्ति जो होता है जो मन होता है उसमें अंतर आता है आज के लिए इतना ही आप लोगों को पता है लेकिन फिर से बता देता हूँ जिनको बेसिक साधना ग्रुप में जुड़ना है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं नंबर है नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव इसमें हमारे पंथ में गुरु मंत्र लेने से पहले जो आसन बंधन दिशा बंधन ये सब मंत्र जानना चाहिए वो हम आपको सिखाते हैं डायरेक्ट बात करने के लिए आ, कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए इसको आप ऐप स्टोर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं उसमें रूद्रना डैट सी एम फोर सर्च करेंगे तो मेरी प्रोफाइल मिलेगी आप उस पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं डब्ल्यू 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 तंत्र से डॉट कॉम ये मेरा वेबसाइट है इस पर भी आप मुझे ढूंढ सकते हैं आज के लिए इतना ही आप लोगों की मनोकामना पूरी हो ऐसी भगवती से मेरी कामना है आप सभी को तो आदेश आदेश आरक्ष